गदर 2 फिल्म से नया गाना आया है, मैं निकला गड्डी लेके। गाना पुराना है लेकिन इसकी पैकेजिंग नई है, मतलब कि नए पैकेट में पुराना माल ही सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन सप्लाई करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा है। देखो इस गाने की रीवैल्यू बहुत ही ज्यादा मजबूत है, और इस गाने को रिमिक्स करने पर इस गाने की आत्मा को नहीं मारा गया है। मतलब कि आप लोगों ने पहले भी बहुत सारे रिमिक्स सॉन्ग सुने होंगे जिनके सुर और ताल कहीं और ही चलने लगते हैं, वैसा इस गाने में बिल्कुल भी नहीं किया गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, आप जो कोई भी हो, आप मेरा वीडियो जहां से भी देख रहे हो, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, एक कमेंट करना जरूर गदर 2 मूवी के लिए, क्योंकि भाई मैंने हर एक वीडियो में गदर 2 मूवी का प्रचार किया, उसे सपोर्ट किया है, लेकिन मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसलिए मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं निकला गड्डी लेके, इस गाने को ओरिजिनली उदित नारायण जी ने गाया था गदर 1 प्रेम कथा मूवी में, इसलिए ओरिजिनल क्रेडिट उदित नारायण जी को जाता है। और अब इस गाने को गाया आदित्य नारायण ने। गाने की शुरुआत होती है जब जीते सनी देओल पाजी से बाइक दिलाने को कहता है, और फाइनली सकीना के कहने पर सनी देओल पाजी उसको बाइक दिला देते हैं, तभी यह गाने की शुरुआत होती है मैं निकला गड्डी लेके। भाई देखो गाना तो काफी अच्छा है, पब्लिक को भी यह गाना बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, इसीलिए आप इसे 4 में से कितने नंबर देना चाहोगे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सेम फीलिंग दिला देता है 2000 वाली। इस गाने के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई, मतलब इस गाने को ज्यादा नयापन देने की कोशिश नहीं की गई, इसीलिए इस गाने को पब्लिक बहुत ही ज्यादा पसंद कर रही है, और गाना वाकई में काफी अच्छा है। गाना लगभग पुराने की तरह है, लेकिन गाने को पुराना नहीं कह सकते, क्योंकि भाई ये दौर है 2023 का, वो दौर था 2001 का। और अगर आप लोगों ने इस गाने को अब तक सुना हुआ देखा है, तो आपके अंदर क्या 2001 वाली फीलिंग आई कि नहीं है, मतलब गदर की याद आई कि नहीं है, हैंडपंप वाला वो सीन याद आया कि नहीं है। भाई बहुत ही ज्यादा मस्त ये मूवी है। देखो गाइस ये मूवी रिलीज हो रही 11 अगस्त को, तो आप सब लोग इस मूवी को देखने के बाद थिएटर में जरूर जाना। और अगर आप लोगों को गदर 2 फिल्म की हाइप का अंदाजा लगाना है, तो जी स्टूडियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, वहां पर गदर 2 का ट्रेलर मिल जाएगा, वहां पर उसके कमेंट पढ़ लीजिए, आपको गदर 2 का अंदाजा लग जाएगा कि भाई पब्लिक कितना ज्यादा पसंद करती है इस मूवी को। देखो भाई पब्लिक तो हमारे सनी देओल पाजी को ही पसंद करती है, क्योंकि भाई वो कट्टर देशभक्ति फिल्में बनाते हैं, और उन्होंने बहुत दिनों बाद कोई ऐसी फिल्म बनाई जिसने 2001 में बहुत ही अच्छी कमाई की थी, तो उसी का सीक्वल है, तो भाई सोच सकते हो ये 2023 में कितनी ज्यादा कमाई करेगी। सुनने में ये भी आ रहा है कि गदर 2 के साथ OMG 2 को भी रिलीज किया जा रहा है। अब आप लोग जरा कमेंट में बताओ कि आप लोग कौन सी फिल्म को थिएटर के अंदर देखने जाओगे, मतलब गदर 2 को देखने जाओगे या OMG 2 को देखने जाओगे, जिसका ट्रेलर बिल्कुल सेम टीजर की तरीके से है, और OMG 2 में कुल मिला के 37 कट सेंसर बोर्ड ने लगाए, उसे ए सर्टिफिकेट दिया है, मतलब कि 18 साल के नीचे वाले बच्चे उसको देख भी नहीं सकते हैं। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कर दो एक लाइक, और गदर 2 के लिए कमेंट करो हिंदुस्तान जिंदाबाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय।